हरिप्रिया, संजना, कनिका, शुभम, शांभवी और कपिल, इन बच्चों के नाम अपने स्कूल की कॉपियों के अलावा जहां लिखे गए वो थे ट्री गार्ड। जगह का नाम दिल्ली की मॉडल टाउन की पुलिस कॉलोनी। साल 1999 के आसपास की बात है। एसीपी रमेश कुमार को यहाँ पर क्वार्टर अलॉट हुआ। उन्होंने देखा कि इस इलाके में पेड़ों की बहुत कमी है। उन्होंने ठाना कि पेड़ों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वे पहले से ही सचेत थे। इस मुहिम के लिए उन्होंने अपने दोस्त अमित यादव, जो कि एक आईएएस अफसर हैं, उनसे संपर्क किया और फिर कॉलेज का उनका एक दोस्त और एक लोकल एमएलए। इन सब की मदद के साथ हॉर्टिकल्चर के साथ एक टाइप हुआ और करीब 600 पौधों की मांग की गई। समय समय पर पौधे मिलते गए। इन पौधों को रोकने लगे तो ये लगा कि कहीं बच्चे खेलते खेलते इन पेड़ों को उखाड़ ना दें। इनकी सुरक्षा कैसे की जाए? और तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया ये कि पेड़ को रोपने वाले बच्चे का नाम भी ट्री कार्ड पर लगा दिया जाए, ताकि वो उस पेड़ के साथ एक लगाव महसूस करे, उसकी रक्षा खुद करे। ये छोटी सी कोशिश एक बड़ा आकार लेने लगी। आज इतने साल बाद कई बच्चे सरकारी नौकरियों पर है। कोई फिल्म इंडस्ट्री में गया तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में। कुछ बच्चों की तो शादी भी हो गई। आज जब वे दिल्ली पुलिस की इस कॉलोनी में आते हैं तो इन पेड़ों को सहलाना नहीं भूलते। अपने बच्चों को वे इन पेड़ों से मिलाते हैं और बच्चे भी प्रेरित होते हैं पेड़ों के साथ जुड़े रहने के लिए। आज इस पुलिस कॉलोनी में चारों तरफ हरियाली है। ये था वर्तिका नंदा की आवाज़ में आज का किस्सा खाकी का।